भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विशेष आम बैठक में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। ये समिति एक राज्य एक वोट, 70 साल की आयु सीमा, चयन समिति में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 या उससे अधिक करने जैसे मुद्दे भी देखेगी। अगले 2-3 दिन में समिति अपना काम शुरू कर देगी और एक पखवाड़े के अंदर अपनी पहली रिपोर्ट देगी। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय भारतीय हैं। फेसबुक पर पीएम मोदी के सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। विराट उनके बाद दूसरे नंबर पर है। टीम इंडिया के धाकर बल्लेबाज युवराज सिंह जब मैदान पर उतरते हैं तो सामने कितना भी धाकर गेंदबाज हो उनकी भी हालत खराब जरूर हो जाती है, लेकिन रविवार को युवराज जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी वाली टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि टीम मैनेजमेंट लगभग हर टूर्नामेंट के लिए नई टी शर्ट प्रोवाइड करती है। हालांकि बाद में युवराज जब फील्डिंग के लिए लौटे तब वो नई टी शर्ट पहन कर आए, लेकिन सोशल मीडिया की नजर उनके टी शर्ट पर चली गई और लोगों ने इनके मजे ले लिए। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए टीम की घोषणा कर दी, जिसमें 3 नए खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया गया है। इंग्लैंड दौरे पर दक्षिण अफ्रीकी टीम 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 6 जुलाई से शुरू होगा। पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे यूकी भावड़ी एटीपी की ताजा विश्व रैंकिंग में 7 पायदान आगे बढ़कर 219वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वो पुरुष एकल में फिर से भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 9 में पिछले साल 8.5 करोड़ में बिकने वाले दिल्ली डेयरडेविल्स के क्रिकेटर पवन नेगी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीधा दाखिला नहीं मिल पाया है। उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत एडमिशन लेने के लिए अब ट्रायल देना पड़ेगा। जमशेदपुर चेस एकेडमी की ओर से साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित ऑल इंडिया फीडर रेटिंग चेस चैंपियनशिप में जमशेदपुर के स्वराज पाली बादशाह बनकर उभरे। स्वराज ने सोमवार को 8वें राउंड की समाप्ति पर 7 अंक अर्जित कर पहला स्थान प्राप्त किया।